फ्रेंड्स तो कैसे हो आप सभी। तो फिर से एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आपने टिक्की या भल्ला पापड़ी तो जरूर खाई होंगी, तो आज हम उसी की मीठी चाट बनाना सिखा रहे हैं। ये हम शादी वाली मीठी चाट बना रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से बहुत ही कम चीजों से तैयार होगी। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार करता हूँ सभी को। मेरा नाम है सोनू जैन और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनिस्ट्री पासपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने पहले भगोने को गैस पर रख दिया है। इसमें ये डाला है रिफाइंड को थोड़ा गर्म होने दें। तो दोस्तों यहाँ जो हम मीठी चटनी बना रहे हैं वो शादी वाली मीठी चटनी बना रहे हैं। तो रिफाइंड गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा और इसे अच्छे से भूनना है। और अब हम इसमें डालेंगे खरबूजे की मींग और उसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और भैया इसमें डालेंगे 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, ये भी चलाते हुए भूनेंगे। और अब भैया इसमें डालेंगे 10 किलो चाशनी। भैया ने पहले ही चाशनी बना ली थी, आप चाहे तो चाशनी की जगह पर पानी और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप 6 किलो पानी की शॉट बना रहे हैं उसमें आप 2 किलो चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ भैया ने डाला है इसमें 2.5 किलो गुड़, इसे अच्छे से पहले फोड़ दिया है, फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे ये गुड़ अच्छी तरह से घुल जाए। आपको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है। सारी चाशनी को डाल दिया है, फिर डालेंगे इसमें 100 ग्राम सौंठ पाउडर, हल्का सा इसे चलाते हुए। इसमें डालेंगे 30 ग्राम गरम मसाला और डालेंगे इसमें 50 ग्राम काला नमक। और अब इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम सफ़ेद नमक और ये डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक गुड़ अच्छे से घुल ना जाए, जब तक हम इसे चलाते रहेंगे। यहाँ गुड़ घुल चुका है, आपको इसके टेस्ट को खट्टा करने के लिए इमली का पानी या खटाई का पेस्ट भी डाल सकते हो। हाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ, इमली के पानी के लिए आपको पहले इमली को भिगोना है और फिर इस तरह से इसके पानी को अलग करना है। हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम साबुत खटाई का पेस्ट डालेंगे। इसके लिए हमने साबुत खटाई को बॉयल कर लिया है। कभी भी साबुत खटाई को बॉयल करें तो आप इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे खटाई जल्दी उबल जाती है। जैसे ही खटाई उबल जाए फिर उसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। इसी तरह से आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। आप किसी भी ग्राइंडर में इसके पेस्ट को तैयार कर सकते हैं। इस पेस्ट को पहले पानी में घोलना है और फिर सौंठ में ऐड करना है। सौंठ को हम अच्छे से चलाएंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसमें सौंठ को लाल करने के लिए यहाँ भैया ने रेड ऑरेंज कलर का यूज किया है, तो आप इसमें कलर का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका कलर भी काफी अच्छा आ गया है। पहले आपको क्या करना है, इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसका फ्लेम को लो कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें अरारोट ऐड करेंगे। अरारोट को भी हमें पानी में घोलकर ऐड करना है और हमारी शॉट बनकर तैयार है। आपको शॉट की वीडियो मेरे चैनल पर और भी मिल जाएंगी, शॉट की और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसे आप सभी ने शॉट को बहुत ही पसंद किया है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको फास्ट फूड से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी। फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।